हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, कल के दिन लेट नाइट एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया था। इन द केस आपने मिस किया तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि लगभग इस चैनल को अभी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग जुलाई में ही यहाँ पे हो जाएंगे, और ऐसी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले अभी तक देखी नहीं है। बहुत ही रेयरली मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। सो ऐसी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ही रेयरली मिल जाएंगी। ये हम कह सकते हैं, एक बोलते हैं ना डीप एनालिसिस के पॉइंट्स रहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हम कहते हैं ना एडवांस लेवल का। हालांकि मैं पूरा डीप नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो भी सीखने के लिए बहुत मतलब टाइम लगता है, बट फिर भी जितना बेस्ट हो सके मैं आप लोगों को अपनी ओर से यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि रिटेल इन्वेस्टर को मतलब उसका मतलब बोलते हैं ना आइडिया भी नहीं होता कि ऐसी चीज़ें हैं। देखा जाए तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर जिसका फील्ड फाइनेंस से जुड़ा हुआ नहीं है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मतलब पता होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप की रहती है। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। जो स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 48% 50% क्रैश होगा करके एक्सपर्ट भी यहाँ पे बता रहे हैं, बट ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का जो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे जानना है। एंड अगर ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसे स्टॉक में ऐसे वैसे स्टॉक में फंसोगे नहीं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिर्फ स्टॉक का नाम देख के अगर आप बोलोगे अरे ये तो मेरे पास नहीं है चलो छोड़ दो, तो मैं आपको बताने वाला आप बहुत चीज़ें बड़ी चीज़ यहाँ पे मिस करने वाले हो। सो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे देना तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर तक ये वीडियो पहुँच सके, ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं कहा बट इस वीडियो में ज़रूर आप लोगों को कहने वाला हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए जो हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, अगेन कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंस की दुनिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ इसमें टैक्स भी आता है, इसमें कानून लॉ भी आ जाता है, इसमें कॉस्टिंग भी आ जाती है, राइट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है, इसमें ऑडिटिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों का ये मिक्सचर है। सो बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उसका ओवरव्यू तो यहाँ पे होना चाहिए। सो अभी की जो मैं बात करने वाला हूँ ना दोस्तों, वो यूजुअली जो पर्सन यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को जानता है, स्टैंडर्ड्स मतलब अगर किसी ने CA यहाँ पे किया होगा तो उनको इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज, बहुत ही थोड़ा बहुत नहीं इनफैक्ट 100% नॉलेज उनको यहाँ पे ज़रूर होगा, बट एक आम आदमी को इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे नहीं होता है, तो इसीलिए उनको ये चीज़ों का आइडिया होना बहुत ही मतलब मुश्किल यहाँ पे पड़ जाती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग कुछ कानून से कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं। सो वैसे अगर मैं स्टैंडर्ड्स की भी बात करूँ ना दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडिट करते वक्त भी इस स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 है, 210 है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए 300 है, 400 के स्टैंडर्ड्स है, 500 वाले हैं, जो बोल रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुन लेना फिर आपको समझ में आ जाएगा, 580 600, ऐसे लंबी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, उसमें से एक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड बात होने वाली है, एंड वो है दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क करके बताना चाहूँगा, SF 570 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा है यहाँ पे, GC गोइंग कंसर्न, एंड नीचे देखो क्या लिखा है, रिवाइज मतलब कुछ चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं, ये चेंजेस बार बार चलते रहते हैं। सो दोस्तों, ये गोइंग कंसर्न मतलब क्या, तो गोइंग कंसर्न मतलब आप लोग समझ लेना दोस्तों कि कंपनी फ्यूचर में काम करेगी या नहीं, इससे रिलेटेड बात करना, मतलब गोइंग कंसर्न फ्यूचर में जो फोर्सिबल फ्यूचर रहता है उसमें वो काम कर पाएगी कि नहीं, इससे रिलेटेड टिप्पणी यहाँ पे कभी कभी होती है। सो अगर आप इसको ऐसे 570 को पढ़ने जाओगे यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल के ऊपर भी चले जाना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 570, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है, राइट, जो कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 23 पेज यहाँ पे है, राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ऑब्वियसली, कुछ नॉलेज मतलब बैकग्राउंड कुछ इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूँ इतना ही आप लोगों को समझ में आ गया कि आप यहाँ पे 570 की बातें कर रहे हो, कुछ तो गोइंग कंसर्न की बातें कर रहे हो, बट इसका स्टॉक से क्या लेना देना, 50% डाउन की बातें हो रही है, 48% डाउन की बात हो रही है, इसका क्या लेना देना है। तो दोस्तों, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे कि चलो मैं अभी आप लोगों को उस न्यूज़ के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस स्टॉक का नाम देख के निकल मत जाना, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए होने वाली है। सो चलिए दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी इसका आर्टिकल आ चुका है, ऑडिटर डाउट वोडाफोन आइडिया एबिलिटी टू रिमेन
क्या लिखा है देखो आगे, अ गोइंग कंसर्न, जो अभी तक मैं बोल रहा था ना वो आप लोगों का थोड़ा सा बेस में बना रहा था, गोइंग कंसर्न। एंड इस चीज़ का जब भी अनाउंसमेंट होता है कि जो ऑडिटर रहते हैं, ऑडिटर मतलब हम कह सकते हैं जो कंपनी के जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अलग अकाउंटेंट रहते हैं, वो भी ऑडिटर टाइप मतलब चार्टर्ड ही रहते हैं हम लोग ऐसा कह सकते हैं। एंड जो दूसरे आते हैं बाहर से वो ऑडिटर रहते हैं, वो चेक करते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स बराबर बनाए कि तो नहीं है या फिर कोई झोल है, तो इससे रिलेटेड वो अपना रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट रहते हैं ना जनरल मीटिंग में, यही तो चीज़ें होती है हम लोग को देखने को मिलती है। तो तभी यहाँ पे उन्होंने डाउट क्रिएट किया है, किससे रिलेटेड, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, किस बात का, एबिलिटी टू रिमेन गोइंग कंसर्न। रिमेन गोइंग कंसर्न मतलब जैसे मैंने कहा जीसी मतलब कि ये फ्यूचर में टिक पाएगा कि नहीं, ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस कंपनी के ऑडिटर जिन्होंने इस चीज़ के अकाउंट्स को चेक किया है उन्होंने ये डाउट क्रिएट किया है कि इनकी एबिलिटी है या नहीं, हमें बहुत ही मतलब बड़ा डाउट है। और सिर्फ इस न्यूज़ के कारण आप देख सकते हो बहुत सारे एनालिसिस ने कहा है कि लगभग ये 48-50% स्टॉक क्रैश कर सकता है। अभी आगे की बातें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये 570 बता दिया, गोइंग कंसर्न जीसी बता दिया, एंड ये न्यूज़ यहाँ पे बता दिया है। सो इसके चलते अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया आज देखोगे तो नॉर्मली आप लोगों को कितना 8-8.5% डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली इसकी मेन वजह है, जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो तो ठीक है बट ये भी चीज़ यहाँ पे बताई जा चुकी है। अभी ये चीज़ कहाँ पे पता चलेगी, तो दोस्तों इसके लिए कंपनी के नंबर्स आप लोगों को जो रिजल्ट आते हैं वो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट कैसे डाउनलोड करते हैं इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्ट है, आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस जो चैनल है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर मुझे लिंक मिल गया तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, कैसे डाउनलोड करके देखना है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए रिजल्ट है, ये रिजल्ट दोस्तों कोई एक दो पेज का नहीं होता है, जो हम लोग यहाँ पे बात करते ना मैं हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते रहता हूँ, जो मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में जो चीज़ें बताता हूँ ना कि ऐसे क्वार्टरली ईयरली, वो एक बस ओवरव्यू रहता है। अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखोगे, ये देख रहे हो आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, 23 पेज का हम लोग को ये PDF देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत लंबा रिजल्ट है, ये नेट स्लो है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है, हम लोग यूजुअली इस नंबर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, पर दोस्तों यहाँ तक ही सीमित बात नहीं रहती है। जैसे मैंने कहा कि इस रिजल्ट को बनाने वाला जो रहता है एंड इस रिजल्ट को क्या ठीक से बनाया है कि नहीं, इससे रिलेटेड भी अपनी जो टिप्पणी रहती है वो ऑडिटर करता है, राइट। सो वो उनके भी जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को नीचे यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिल जाती है। ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नोट्स भी बनाए जाते हैं कि आप ये रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट के नीचे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे नोट्स 1, 2, 3, 4, एक्स्ट्रा कोई चीज़ रहती है तो उसका भी रेफरेंस दिया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो शुरुआत में क्या बताया था, जीसी गोइंग कंसर्न, तो हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी रिजल्ट में जाके अगर आप लोग फाइंड पेज जो करते हैं ना, अगर आप उसमें भी जाके अगर गोइंग कंसर्न टाइप करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। ये किसने कहा, ये ऑडिटर ने यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स में बात यहाँ पे बोली हुई है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो, अनसर्टिनिटी मतलब पता नहीं फ्यूचर में क्या चलेगा। आपको पता है मैं एक वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, यूसी कभी भी बाज़ार को पसंद नहीं आता, अनसर्टिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं भविष्य में। रिलेटेड टू क्या, जीसी गोइंग कंसर्न मतलब फ्यूचर में ये कंपनी चलेगी कि नहीं, इससे रिलेटेड यहाँ पे डाउट है। ये बातें खुद ऑडिटर ने यहाँ पे बोली हुई है। क्यों ऐसा बोला हुआ है, तो ऐसे हवे में नहीं कह सकते, उसका रीज़न भी उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 3। तो नोट 3 में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए, उसके ऊपर भी हम लोग जरूर जाएंगे। रिजल्ट के नीचे ही रहते हैं ये सारी चीज़ें, टू द फाइनेंशियल, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट विच डिस्क्राइब द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एज एट March 31, 2021 एंड इट्स डेप्ट एंड AGR ऑब्लिगेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, डेप्ट एंड AGR ऑब्लिगेशन ड्यू फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। आप सभी लोगों को पता है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर यहाँ पे कर्जा है, सुप्रीम कोर्ट में बातें भी चल रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि चलो कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, आप लोग आगे यहाँ पे इस कर्ज को धीमे धीमे करके यहाँ पे चुका सकते हो। तो ये भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, एंड अगर आप लोग इन चीज़ों को पढ़ोगे, सारी चीज़ें वही लिखी हुई है, आपको वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें देखने को मिलती है ना उसके अंदर ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज़ इम्पैक्टेड इट्स एबिलिटी टू जनरेट द कैश फ्लो। मतलब समझ रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत भारी कर्जा है, चलो मैं आसान तरीके से बोल देता हूँ कि कंपनी को 500 रुपया देना है, ठीक है ऐसे ही बोलता हूँ। एंड अगर कंपनी को 500 रुपया कब दे पाएगी, जब कंपनी खुद 500 रुपया कमा पाएगी तब जाके वो पे कर पाएगी ना, बट ये कंपनी खुद ही कैश फ्लो जनरेट करने में सक्षम नहीं है, फेल हो रही है बार बार। तो ये कंपनी अगर ऐसी चलती रही तो फ्यूचर में जाके इसका कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो ये चीज़ें ऑडिटर ने खुद यहाँ पे इस पैराग्राफ में कही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एबिलिटी है कि नहीं जनरेट कैश फ्लो करने की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पे लग रही है। एंड इनके जो लायबिलिटीज़ है आप देख सकते हैं, इन्होंने गारंटी देके रखा हुआ है कि ये चीज़ें उनको इतना तो पे यहाँ पे करना ही है। सो इन कंडीशंस को देखकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि कंपनी की जो एबिलिटी है क्या वो फ्यूचर में टिक पाएगी कि नहीं, पेमेंट कर पाएगी कि नहीं, इससे रिलेटेड ऑडिटर को भी डाउट यहाँ पे आ रहा है। सो ऐसा पैराग्राफ कभी भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों उस कंपनी में जाने का ही नहीं होता है। सो अभी टेंशन लेने की बात नहीं, सर मेरे पास ये वाला स्टॉक है वो वाला स्टॉक है, अच्छे स्टॉक में ये चीज़ें क्यों आएगी? जो कंपनी खुद बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, जिस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ख़राब है, उन कंपनीज़ में ही ये पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। अब चाहो तो वोडाफोन आइडिया में जाके वोडाफोन आइडिया तो हम लोगों ने देख लिया, वीडियोकॉन में जाके एक बार देख लेना। अगर आप चाहो तो DHFL, डी लिस्ट की अभी हम लोगों ने बातें देखी थी ना, DHFL में जाके देख लेना। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लो मैं DHFL में अभी आ चुका हूँ। सेम पैराग्राफ आप क्या लिखा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। पैराग्राफ यहाँ पे तो देखने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, बट सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। तो कंपनी ऐसे डीलिस्ट नहीं हो जाती, ये जो कंपनियाँ खराब ही रहती है ना इनमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। सो ये जो पैराग्राफ रहता है ऐसा कि कंपनी आगे चलने के ही चांसेस नहीं है करके, ऐसा अगर ऑडिटर ही बोल दे तो समझ लेना दोस्तों, इतना ईजिली नहीं बोल देता है ऑडिटर, मैं आपको सच में बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही लिख देंगे तो इतना सिंपल बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एक सीरियस चीज़ इसको यहाँ पे देखी जाती है। और दोस्तों इसी चीज़ का जिक्र यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में भी ऑडिटर ने यहाँ पे किया हुआ है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड भी बीच में मैंने वीडियो बनाया था कि कौन सा स्टॉक क्रैश यहाँ पे करता है। अरे जिस कंपनी को बहुत ज़्यादा कर्जा देना है एंड उस कंपनी के पास खुद के पास ही जो पैसे आते हैं वो बहुत कम है। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें, उनका जो डेप्ट है वो फिक्स है कि इतना इतना उनको पे करना है, एंड जो पैसा उनके पास आ रहा है वो तो कम कम होते चला जा रहा है, प्लस उनके कस्टमर चले जा रहे हैं बहुत सारे। अगर आप देखोगे तो इस वक्त का भी रिपोर्ट देखोगे तो अगेन उनके कस्टमर जा चुके हैं। सो कंपनी के पास पैसा आएगा कहाँ से, एंड शेयर होल्डर तो मतलब उनको क्या मिलेगा, वो तो आखिरी की चॉइस है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बहुत डीप है, मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल दिया है, राइट। जिन्होंने इसका डीपली स्टडी किया होगा उनको थोड़ा सा वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि इसका डीप स्टडी यहाँ पे होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडिटर ने भी कहा है, क्या बोला है कि नोट 3 भी जाके पढ़ लेना। अभी देखिए नोट 3 कहाँ पे मिलेगा, रिजल्ट जो रहता है ना उसके नीचे आपको नोट्स मिल जाते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है, रिजल्ट के नीचे रहेंगे नोट। तो नोट 3 पे ऊपर जाके अगर आप अटेंशन दोगे, ये देखिए इसमें इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि कितना लॉस इनको हुआ है, लॉस के साथ साथ इनको कितना पेमेंट देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे तो इससे ये ऑडिटर ने कहा है कि हमें लगता है कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है। और दोस्तों इसीलिए अगर आप देखोगे तो हेडलाइन में भी यही चीज़ें, अगर कोई भी ऑडिटर अगर किसी कंपनी के आगे गोइंग कंसर्न GC के ऊपर डाउट क्रिएट करता है तो हम कह सकते कि ऐसे कंपनी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है वो तो निकल जा सकते हैं, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो बहुत ही इमोशनली अटैच रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वापस स्टॉक 1,100-200 जो उनका पुराना लेवल था वहाँ पर आ जाएगी विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस। तो ऐसे कंपनी से संभल के रहना चाहिए, एंड आप देख सकते हो ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि 48-50% ये डाउन हो सकता है। सो आखिरी जो सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या फिर वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो जाएगा? सो दोस्तों वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक ही चीज़ से बच सकती है, यस। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना मुझे मतलब गाली देनी है कि सर क्या आप बोलते हो ये ज़बरदस्त कंपनी, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वोडाफोन आइडिया में किसी ने पैसा डाला तो। यस इनको फंड्स की सख्त ज़रूरत है, सख्त मतलब सख्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और वो भी फंड्स बहुत ही लाखों करोड़ों का फंड्स है। अगर ऐसा हुआ तब जाके कुछ हम कह सकते कि इस कंपनी के बचने के चांसेस है, वरना पकड़ लेना कि चांसेस ही नहीं है ना के बराबर, क्योंकि इतना कर्जा पे करने कहाँ से देंगे, बिजनेस ही नहीं चल रहा है। तो समझ लेना कि अगर इनके पेरेंट कंपनी ने अगर बोल दिया, वोडाफोन आइडिया विदेश में भी है ना आपको पता है, तो वोडाफोन बोल देती है कि चलो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ एंड मैं इतना करोड़ देता हूँ, तब जाके हम कह सकते कि कुछ होप थोड़ी सी क्रिएट हो जाए, एल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड खुद वोडाफोन ने ही जो उनकी पेरेंट कंपनी ने एक बार बोल दिया था कि हम लोग लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों पैसा डालें, इससे अच्छा हमारे इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे वहीं पे हम लोग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से संभल करें ना, अभी फंड आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, ऐसी चीज़ों में अगर आप लोग ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आपका पैसा यहाँ पे फंस भी सकता है।
सो दोस्तों आज के दिन जो वोडाफोन आइडिया में हम लोग को यूजुअली 8.5% की जो गिरावट देखने को मिल रही है वो लॉस के वजह से तो हम कह ही सकते हैं। लॉस तो इससे पहले भी उसने लगातार लॉस ही दिखाया है, अभी तक तो प्रॉफिट था ही नहीं, बट उससे भी ज़्यादा अगर कोई खतरनाक चीज़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही डेंजरस है। जब ऑडिटर डाउट क्रिएट करता है कि कंपनी की एबिलिटी की ओर, तो ये एक अच्छा सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं होता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर को कि इस चीज़ों को देख के ही अभी आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। एंड मैंने पॉइंट भी आपको बता दिया कि वोडाफोन आइडिया के लिए आखिरी ऑक्सीजन क्या साबित हो सकता है, तो वो रहेगी फंड रेजिंग। बहुत बड़ा फंड अगर आ जाता है तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बट एज अ इन्वेस्टर हम लोग ग्रोथ देखते हैं, जो कंपनी खुद ही स्ट्रगल कर रही है, जो कंपनी खुद को ही पैसा नहीं दे पा रही है, प्रॉफिट बना के नहीं दे पा रही है, वो आपको कहाँ से रिटर्न देगी। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन पॉइंट्स को ज़रूर आप लोग सोच सकते हो और उसके बाद डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपने कुछ अगर नया सीखा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, जितना हो सके शेयर करना। बहुत सारे कम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर तक ये बातें तो पहुँचती नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।